तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आज की शुरुआत अपने घर पे, अपने घर से इतना अच्छा लग रहा है, आपको दिखाता हूँ। आशुति ने दोबारा मेरे लिए ब्रेकफास्ट, मम्मी बना के गई आलू गोभी की सब्जी एंड श्रुति ने बनाए पराठे एंड चाय एंड नाउ वी आर बैक अगेन एंजॉयिंग आवर होम जर्नी। कहाँ गई? प्लेट ला रही हूँ। काली हो गई है श्रुति, कैसे हो? ये वाला तो बेचारा मेरे बिना सूख गया, बाकी तो सही है, ये दोनों इनकी धुलाई करनी पड़ेगी। तो आपने ना ही धोई क्या? मैं कह रही है मैं अभी नहा धो के ढंग से नहीं बैठी, मेरे को मतलब क्यों भाई? मैं नहा धो ली बट मैं काली हो गई हूँ। कहाँ से काली हो गई हो? मैं तो नहीं हुआ, मैं हुआ हूँ भाई, मेरे को तो नहीं लग रहा मैं काला हुआ हूँ, थोड़ा बहुत हुआ हूँगा बट आज तो नहीं, बट एक दो दिन में हम करेंगे हल्दी बेसन का लेप अपने मुंह पे, कुछ उसमें रेमेडीज, आयुर्वेदिक में रेमेडीज डालेंगे, उसके बाद आप चमचमाता सोना हो जाओगे। आज हम ऑलिव को लेके आएंगे। मैं तो नहीं लेके आऊंगा, कल लेके आऊंगा। मैं अकेले ले आऊंगी, गाड़ी तो अभी आपको आती नहीं है। रिक्शे से ले आऊंगी। घर आते ही प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है, सुबह से 4 बार बजा चुका है। मैं सब कुछ दिखाऊंगी भाई, चलो बजाओ, हंसने के लिए रेडी हो जाए गाइस। तुषार ब्लॉग को देख के थोड़ा अच्छा बजा दिया यार। वन मोर टेक, वंस मोर। अक्षत, अक्षत आया, हाय अक्षत। बस ये यही समाप्त होता है। बना अक्षर ट्राई कर रहा है यहाँ घुलाना। बजा बजा बजा, मेरे पे हंस रहा था ना, बजा बजा बजा। शंख बजाने का मैं आपको फायदा बताता हूँ, शंख बजाने का जो फायदा है, हसमत, शंख बजाने का जो फायदा है वो है आपके फेफड़े ठीक होते हैं और आपका हार्ट जो होता है वो हेल्दी रहता है और बहुत चीज़ें होती है, बहुत बेनिफिट होता है, दिमाग खुलता है, वेरी पॉजिटिव दिमाग रहता है। बट मेरा तो बजाने से अभी सर में दर्द हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगे, शायद मेरा दिमाग थोड़ा कम था, बढ़ेगा। मुझे सुनाई दिया आपका हार्ट हिलता रहता है। हिलता है, मुझे ये सुनाई दिया कि फेफड़े हिलते हैं। श्रुति को लगा दिया हमने घर में रोटी बनाने के लिए। अच्छा तो भाई तुम आटा भी गूंद लेते, मुझे नहीं पता था ये। भाई सब काम करने पड़ते हैं गृहस्थी के। बहुत बदल गए भाई शादी के बाद, बहुत बदल गए। पहले कुछ और काम थे, घूमना फिरना, मौज, अब रोज किचन में रोटियां बना रहे हो भाई, तो अब बंदी बहल हो गई है, लीमड़ी सी लग गई है। क्या है, आटा गूंदने तो भाई गूंदो। गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। भाई मैं चला गया था, आपको पता ही, अंडमान निकोबार, अब वापस आया हूँ तो पेड़ पौधों की हालत देखी है मैंने, बहुत मिट्टी जमी हुई है। अब जब तक मैं इसकी पत्तियाँ साफ नहीं करूँगा, जब तक ये मेरे को हवा ऑक्सीजन देंगे नहीं और फिल्टर करेंगे नहीं, तो बस अभी इनकी थोड़ी पालन पोषण कर रहा हूँ, फिर अपना करूँगा। मिलते हैं थोड़ी देर में, रोटी खाते हैं, शुद्ध रोटी बना रही, इतने हम पत्तों को साफ कर ले। अच्छा खासा यहाँ लेटा हुआ था चाय बनाने के लिए, इसने बोला चाय बना रहा है अक्षत, अब इसको बिस्किट खाना है, तो कह रही उठ खड़ा हो, तो हुकुम तो चलाऊंगी ना। हुकुम चलाएगी, खुद कुछ करने ही रही। तबीयत खराब मेरी, व्लॉग एडिट कर रही हूँ, मूवी देख रही है, व्लॉग एडिट कर रही है, और भाई मेरा चाय बना रहा है, मैं अब बिस्किट ढूंढूंगा। वाह बिस्किट कहाँ है, ये क्या भाई है, ये क्या चीज है भाई, गोलियां, ऐसा लग रहा सांप ने छोड़ दिया कुछ, छोड़ गया। एक उसके हाथ में दे देता हूँ, खा लेगी तो। इतने 4 बिस्किट अपने कप में रख ले, ये लो, कहा मतलब उसमें प्लेट में, लो लो किसमें खाओ, आ रही है चाय, लॉग एडिट हो रहा है, हाय हाय। लोग मतलब ऑब्वियसली अच्छे लोग नहीं, जो कुछ हेटर्स है ना वो ना जलते हैं ऐसी चीजें देख के कि अब श्रुति कुछ नहीं करती, श्रुति ये श्रुति वो, तो मेरे को मजा आता है ऐसे करके और दिखाने में। मैं भी तेरा सबसे बड़ा हेटर हूँ वैसे इस चीज में, तो मेरे पेड़ पौधे देखो कितने साफ लग रहे भाई साहब। देखो हम लाए वहां से, मैं अब दिखाता हूँ, मैं लाया, सॉरी श्रुति लाई, श्रुति लाई वहां से सी शेल,
वाओ वाओ, और ये तो आपने देख ही रखा होगा, मानती नहीं है, इसको यहाँ रख दिया है। और महल आया, बाथरूम दिखाता हूँ आज अपना। आज देखो गाइज मेरा बाथरूम बाथरूम में मैं दिखाता हूँ मैं क्या लाया। अरे खुल जा, ये लाया, ये टिश्यू होल्डर बाथरूम में रखने के लिए, मस्त लग रहा है ना, क्योंकि मैं लाया हूँ और दिखाता हूँ मैं लाया शंख, जो आपको सुबह दिखाया था वो मैं लाया हूँ, ये वाला जो मंदिर में रखा हुआ शंख। और गुरुजी से मिला भाई, गुरुजी से मिले हुए काफी टाइम हो गया होगा, मस्त डैशिंग हैंडसम। बाहर बन गई होगी चाय, चाय बनी ही नहीं बनी भाई, चीनी डालना भूल गया था, अभी ध्यान आया, अभी डाली चीनी, एक बाल हो रहा था यार, तेरे को बाल दूंगा इसके अंदर अब मैं। ओ श्रुति क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है घर आके? मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है अपने मतलब क्या बोलते हैं घर, स्वीट होम, स्वीट होम नहीं मतलब कंफर्टेबल जोन में भी आके चल रहा है। बट मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ उस ट्रिप को, क्योंकि वो बहुत अच्छा ट्रिप था, मतलब भगवान करे वो ट्रिप हमारी लाइफ में जल्दी आए दोबारा। और अब हम ट्रिप करेंगे बॉयज ट्रिप, मेरा मन है अक्षत भव्य मैं जाएं, हम जाएं बाली वाली जाएं, और ऐसी जगह जाएं जहां पर हम मटर कश्ती कर सकें। कहाँ जाएगी तू, कहीं जाएंगी? लड़कियों का ट्रिप बनाऊंगी, कोई एक गर्ल्स ट्रिप होती नहीं। आप जाओगे ना, मैं भी जाऊंगी, जो करना कर लो। ये भाई बहन वाला रिश्ता मत बना, जाऊंगी कि बड़ा भाई वहां जाता है तो मैं वहां जाऊंगी। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी, आप मुझे छोड़ के ट्रिप पे जाओगे, सॉरी। तो मैंने शादी इसलिए करी थी क्या, मैं क्या खूटा बांध लूं अपने गले में? क्यों, तो मैं क्या करूं फिर, मेरे भी तो खूटा है। हेलो, मैं क्यों नहीं जा सकती सर अकेले, मेरे नहीं खूटा हुआ? बेबी सुनो, आप काली, आप अपने घर जाना। अब मेरे को घर भेज रहा है, मैं जब इससे बोलती हूँ ना कि मैं घर जाऊं, कोई जरूरत नहीं जाने की, अब तेरी शादी हो गई है, अब तो यहाँ की हो गई है, अब खुद के बेटे होते। मैं तो जाऊंगा, मैं भी जाऊंगी, मैं जाके रहूंगा, मैं जाऊंगा। ले भाई, मान ली एक एक कटोरी चाय, और एक एक कप चाय, कोई लड़की पसंद हो तो इसको मिल जाए बिस्किट। हाँ बिस्किट नहीं लाए, देख कैसी सी है। अक्षय जल्दी अपने देवर से काम कराती है, अपने पति से भी काम कराती है। थैंक यू अक्षय, डिब्बा ही ठाला है वो, कह रहा दोबारा जाना पड़ेगा, इससे बढ़िया डिब्बा ही दे दो इसको। तो इसको हर दो घंटे में भूख लगती है, अभी रोटी खा के बैठी है। कितनी रोटी खाई मैंने अक्षय? यार असलियत बोल दी गाइस, तीन बाइट रोटी खाई थी, व्लॉग ऑन है, हाँ तीन तीन बाइट। कोई नहीं, जाटों के घर में आके छह रोटी कहाँ पता चलती है, एक मट्टी के समान। मैं जिम जाऊंगी, पतली दही घी जिस दिन खाना शुरू कर देगी अपना पतली हो जाएगी, भर भर के घी। छुट्टी मुंह में घुस जाओगे क्या? ले घुस जाऊंगा क्या खोला भाई तूने टीवी में? गेम अच्छी खासी मूवी चल रही थी, अभी यहाँ पर बैठ के गेम खेल रहे हैं भाई साहब, ये देखो वाओ, मार दी मछली को हैं, वाओ एक ही बार में कर दी। गाइस हम बहुत दिन से कहीं घूमे नहीं थे, हम बहुत दिन से कहीं घूमे नहीं थे, तो दिशा मुझे घुमाने ले जा रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ऑनली पर लेने जा रहे हैं हम। भाई दिल्ली में गाड़ी चलाने का मजा तो अलग है, और इस प्यारी सेक्सी को चलाने का तो और भी, और मजा आ रहा है भाई, क्या मजा आ रहा है, मतलब अपनी गाड़ी चलाने का और अपने शहर में चलाने का मजा ही कुछ और है। अपनी बीवी हो, भैया हो, आगे बोलो ना, दूसरा बोलो, बोलो बोलो बोलो, अक्षय भी पता क्या बोलने वाला, भैया दीदी भैया बीवी चुरैया। क्या गाने चल रहे थे सामने? So guys, अब हम जा रहे हैं ऑलिव से मिलने। क्या बोल रहा है?
आयुष का फोन आ रहा है मेरे को। ओली वो श्रुति का प्यार कैसे, ये कौन सा प्यार है भाई बैठ के? मैं थक गई तो मैं बैठ गई इसके पास। वो नहीं थक रही। ओलिव स्पीक, ओलिव ओलिव स्पीक 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 सोच रही है बोल रहा है। श्रुति श्रुति स्पीक। वाओ दोनों मेरी बात सुनती है। सर्दियां होने वाली है खत्म, उससे पहले खा लो सारे चने के लड्डू। वैसे तो ये आयुष की मासी ने भेजे थे, आयुष तो खा नहीं रहा, तो कोई नहीं हम खा लेते हम तो डंगर है। तेरे लड्डू है बहुत सारे लड्डू रखते हैं आप तो। वाह अक्षत बड़ा हरामी लौंडा मैंने देख लिया। अपनी बात कैसे मनवा रहा भाई? भाई मैं कुछ भी खा लूँ, ये देखो इसके टांगे देखो, इसका मुंह देखो, इसको चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ। नहीं खिलाऊंगा नहीं खिलाऊंगा, ये देख गिरा देगी। ये ले 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 ले, लड्डू खा गई, लड्डू खा गई। सो भाइयों बहनों दोस्तों लव यू। अरे कुछ नहीं यार, मैं कहना चाहता था कि हम जा रहे हैं डिश चौक मोमोज खाने। आफ्टर सो लॉन्ग वी आर गोइंग टू ईट मोमोज। ट्रांसलेशन जरूरी था। या वी हैव टू पब्लिक्स, इंग्लिश हिंदी पब्लिक्स, मेरे इंग्लिश उनकी हिंदी, उनकी हिंदी। चल बंद कर, चल रहा चिंदी। मोमोज की रेडी लगवाऊंगा तेरी भी एक दिन। हाँ तो चाय भी साथ में बेचेगी ना कामचोर। मोमोज मोमोज ही मोमोज मोमोज ही मोमोज, दो दरिंदे मोमोज कैसे खा रहे हैं मोमोज। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, दिल्ली से बढ़िया खाना कहीं का नहीं है। क्या बात है, सही कह रहा हूँ? इसका तो मुंह में मोमोज ही फंसा हुआ है, दांतों में फंस गया था यार चटनी और मोमोज। भाई कहीं चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दिल्ली इज द बेस्ट। दिल वालों की दिल्ली और उसका टेस्ट, ईस्ट और वेस्ट दिल्ली इज द बेस्ट। आई लव यू दिल्ली, आई लव यू इंडिया। जा रहा है ज्ञानीस पे, इसने बोला था मैं 100 रुपए की भैया ऐसी चीज ले आऊंगा जिसमें हम चारों की दो दो चार चार चम्मच आ जाएगी, पांच पांच। तो अब मैं देखना चाहता हूँ क्या लेके आएगा। मैं अच्छी खासी मदर डेयरी से आइसक्रीम ले रहा था 10-10 रुपए वाली, बट भाई को कह रहा था कि मैं ले आऊंगा भैया ज्ञानीस से। जरा आज इसको मैं देखूं कौन से ज्ञानी से लेके आएगा ये। अक्षत ले आया भाई फाइनली, कितने रुपए की लाया सस्ता बताइयो। अरे आम खाओ, गुठली क्यों गिनते हो? अरे मैंगो तो खा रहे, बता टाइम बता, सही सही बता। 85 के दिए पर स्कूप बचा लिए तूने पैसे, 15 बचे। चलो अभी 15 की 15 की सेंटर फ्रेश खानी है मेरे को, सुन ले इसकी बात। वाह भाई वाह, कैसी है भाई श्रुति, टेस्टी है? चलो भाई मिशन मिशन पास हो गया अक्षत का आज ने, अक्षत ने मिशन पास कर लिया भाई। ये अपने घर सारी चीजें चेक कर रही है, सब कुछ वैसा है जैसा मैं छोड़ के गई थी। ओलिव हो गया चेक बेटा, मजा आ गया। ओलिव घूमो बेटा घूमो, क्या हो गया? चेक कर रही है, देख देख सब चेक कर रही है, खा खाने का रखा है, कहां पीने का। चूहे भी निकले थे दो चार, ये देख हो गई शुरू। सब चेक करेगी क्या रखा घर में, खाने का क्या रखा क्या नहीं रखा। ये ले साइड से निकल गई, वो कह रही मेरी जगह थी वो मैट। पागल हो गई, चेक करेगी पूरा घर चेक करेगी, भाग भाग के खुश हो गई, खुश हो गई। आ गई मैं अपने घर, आ गई मैं अपने घर, आ गई आ गई आ गई। कैसा लग रहा है ओलिव?
खुश हो रही है। तू पिटबुल है, तू पिटबुल है, तू पिटबुल है कहीं से। श्रुति कितनी अच्छी लड़की है, पूजा कर रही है। आपको कभी कभी अच्छी लगती है। चलो मेरी घर की लक्ष्मी पूजा कर। सो गाइज, मैंने एक नया प्रण लिया है कि मैं रोज मम्मी जी के साथ नई नई सब्जियां सीखूंगी, और वापस आने की खुशी में आज हम बना रहे हैं मशरूम मटर, मटर मशरूम। और मैंने आज फिर से प्याज काटा है, आपको दिख रहा होगा मेरी नोज रेड है क्योंकि मैंने प्याज काटा है। और चॉपिंग का काम वैसे तो हमें मुझे इसको देना चाहिए था क्योंकि अभी हमारे घर में ये आई हुई है। मुझे तो पीली दाल के लाते हैं। मैंने ना इसको बोल दिया आयुष को ना, ये लोग जबरदस्ती झूठ बोल के ले आए बेचारे को, ठीक है। बट वो ऐसे इंसान है कि उसको अपने बिस्तर में ही नींद आती है, जो कुछ कुछ होते हैं, मैं भी हूँ, मैं भी होती हूँ कई बार ऐसी। तो वो उस बेचारे को रोकने के लिए मैंने बोल दिया, मैं कहा आयुष तेरे लिए मटर मशरूम बना रहे, अक्षर को तो हम पीली दाल खिलाते। अब ना वो रुका ना ये रुक रहा उसके चक्कर में। आजकल मुझे पसंद आ गया ये है गूगल डिवाइस, तो मैं इसको बोलता हूँ, देखो। तो हे गूगल, बोलो तुषार तुम बहुत प्यारे हो। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या कह रही हो? बहुत मारूंगी इसको गिरा गिरा के। हे गूगल, क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनना चाहोगी? माफ करें, मुझे समझ में नहीं आया। हंस कर रही है बे, हंस कर रही है। रिजेक्ट कर दिया आपको। मेरी बीवी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती गूगल? माफ करें, मैं समझी नहीं। आप कुछ समझ पाएंगी भी नहीं। I love you. Oh, that's so sweet. And I have a surprise for you. A cute nickname. Want to know more? Yes, Google. पर दूंगी गाल पे। Hey Google, give me your son. Google? Hey Google. Google गू खा ले। बंद कर इसको। बंद कर इसे। और मेरी आवाज डालो इसमें, इसे चलो आवाज डालो इसमें। ये लटका के दिया इसे। Romantic music, piano music, guitar music, instrumental music 73 on YouTube music. Stop! Mute. So guys, ये बहुत पते की बात है कि हम दिल्ली आ चुके हैं, और श्रुति बाकी आप बोलो। So guys, हाँ हम दिल्ली आ चुके हैं। रिफ्यूजी हो क्या कोई यार? मेरा गला खराब है आज। हम काले भी हो गए हैं, और हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अपने काम से काम रखें। अब मैं अपनी टैनिंग उतारूंगा, कल सारे बदन को साफ करूंगा अपने, और सारी टैनिंग उतारूंगा, और श्रुति आपसे गोरा लगूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे उल्टे सीधे मैसेज करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग मी हेट। गाइज इसका हो गया दिमाग खराब, हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके गाइज, लव यू, जय गुरु जी। इस ब्लॉग का एंड करते हैं, नया ब्लॉग आने वाला है जल्दी, आप कर दो सब्सक्राइब।